दो दर्जन से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र प्रदूषण में एक स्थान पर है, जहां पर स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार अवैध प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों की शिकायत प्रशासन से की जा रही थी, वहीं जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। आज एक बार फिर उप जिलाधिकारी लोनी आदित्य प्रजापति, तहसीलदार लोनी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, प्रदूषण विभाग व अन्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ लोनी सेवा धाम चौकी क्षेत्र के अमित विहार कॉलोनी में पहुंची और प्रदूषणकारी इकाइयों पर कार्यवाही की। विगत कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोनी तहसील के सेवा धाम क्षेत्र में अवैध रूप से प्रदूषणकारी इकाइयों का संचालन हो रहा है, जिससे आम लोगों को सांस लेने में और दिक्कत हो रही थी और कई तरह की बीमारियां हो रही थी। माननीय हरित न्यायाधिकरण जो NGT है, उसके भी आदेश हैं कि NCR में किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारी इकाइयाँ संचालित नहीं की जाएंगी। इसी क्रम में आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ अवैध रूप से संचालित हो रही थी, जिनमें मुख्य रूप से कबाड़ को गलाकर उससे धातुओं को बनाने की, जैसे एल्युमिनियम, तेजाब की भी, हाँ तेजाब का एक बहुत बड़ा भंडारण जो एक गोदाम था वो हमको प्राप्त हुआ है, और उसके अंदर तेजाब एक टैंक था, उसमें तेजाब भरा हुआ था और बहुत सारे ड्रम में रखा हुआ था, उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध, और एक बैटरी को भी जलाने का और जला के उससे नए पदार्थ बनाने का, उसमें लेड वगैरह जो निकलता है उससे लेड की सिल्लियाँ बनाने का एक संयंत्र चल रहा था। ये सारी फैक्ट्रियाँ बहुत हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको वातावरण में प्रभावित करती हैं। इसी क्रम में आज कार्रवाई की गई है।